फर्स्ट मैं इन दोनों फोनों की सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। एक फोन है एंड्रॉइड 10 वन यूआई 2.5 वर्जन में, दूसरा फोन है एंड्रॉइड 11 वन यूआई 3.0 वर्जन पे। आप फोन अनलॉक करने जाओगे ना तो सबसे पहला चीज तो आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। पुराने में बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन थी, बिल्कुल फ्लैट नंबर आते थे, अब नए वाले लॉक स्क्रीन में ब्लर बैकग्राउंड कर दिया और जो नंबर आ रहे हैं उसमें राउंडेड कॉर्नर भी कर दिए हैं, तो ना देखने में काफी अच्छा लग रहा है ये। बट जो मजेदार कलाकारी सैमसंग ने करी है वो है नोटिफिकेशन पैनल में। पहले वाला नोटिफिकेशन पैनल बिल्कुल फ्लैट था, या तो ब्लैक या तो व्हाइट, बट अब ब्लर है तो देखने में ना काफी तगड़ा और मजेदार सा लग रहा है ये, धांसू बिल्कुल। अब ब्लर के साथ साथ ना इन्होंने बटन्स, आइकन, इनमें भी थोड़ा बहुत मूवमेंट किया, इनमें भी चेंजेस किया है। पहले मीडिया और डिवाइसेस के आइकन बॉटम राइट में देखने को मिलते थे, बट अब इन्होंने इसको ले जाके बिल्कुल बीच में रख दिया है। डिवाइसेस को भी इन्होंने काफी बड़ा सा बना दिया और मीडिया को भी काफी बड़ा सा बना दिया है। डिवाइस में आप क्लिक करोगे तो फोन से कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है ब्लूटूथ के थ्रू वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और वहीं मीडिया पे क्लिक करोगे तो कौन कौन से मीडिया प्ले हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। और इन्होंने ना एक आध चेंजेस काफी अच्छे जो किया वो मुझे पसंद आया पर्सनली, जैसे अब इन्होंने टाइम को तो बीच में कर दिया है और जो स्विच ऑफ है, सर्च है, सेटिंग है, इस आइकन को ये ऊपर लेके चले गए, मतलब टॉप राइट में लेके चले गए, तो ये ना काफी हैंडी हो जाता है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सैमसंग ने ये काम तो बड़ा तगड़ा और धांसू किया है। अब जो अगला धांसू चेंज सैमसंग ने किया है वो है वॉल्यूम यूआई में। पहले टॉप से बॉटम की तरफ आता था बट अब राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है और यूआई भी ना देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब अगला जो चेंज मुझे पसंद आया वो है कॉल हिस्ट्री में। कॉल हिस्ट्री में पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेट की हिस्ट्री जाननी होती थी कॉल की, तो आपको ढूंढना पड़ता था वो पूरी डेट कॉल हिस्ट्री में जाके। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप डायरेक्ट स्वाइप अप या स्वाइप डाउन कीजिए, ऑटोमेटिकली डेट फ्लैश होगी आपके कॉल हिस्ट्री वाले यूआई में। आप इजिली जा पाएंगे उस पर्टिकुलर डेट की कॉल हिस्ट्री पे जिस डेट पे आप जाना चाहते हैं। तो ये इस टाइप के छोटे छोटे चेंजेस ना, ये है छोटे कहने को, लेकिन ये ओवरऑल यूजर के एक एक्सपीरियंस को इन्हेंस करते हैं, तो ये भी मुझे काफी पसंद आया। इसके बाद कॉल से ही रिलेटेड एक और चेंज सैमसंग ने किया है। सेटिंग में आप जाएंगे तो सेटिंग में आप एक कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन सैमसंग ने दिया है। इसमें आप कॉल के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब जो यूजर होगा उसका नाम टॉप में आएगा या उसको लेफ्ट में लेकर आइए, नंबर को राइट में, व्हाटएवर जो भी हो। और उसके अलावा बैकग्राउंड भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके साथ साथ आप कोई बैकग्राउंड प्लस में क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं, तो अगर किसी की कॉल आई है तो वो बैकग्राउंड वहां पे फ्लैश होगा। अब ये बैकग्राउंड आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं यूजर के हिसाब से और सिम के हिसाब से। काफी सारे इस तरीके के अच्छे फीचर सैमसंग ने इस वन यूआई 3.0 के अपडेट में दिए हैं। अब जब कॉल बैकग्राउंड की बात हो ही रही है तो कॉल एक करके दिखाई देता हूं, क्योंकि उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए। अब देखो पहले में ना पूरी फ्लैट स्क्रीन थी, अब नए वाले में क्या किया इन्होंने, ये सबसे पहले तो कलर चेंज कर दिया इन्होंने ये कॉल डिस्कनेक्ट का, और इसके साथ साथ इन्होंने ये जो आइकन है ना आपके प्लस, वीडियो कॉल, ब्लूटूथ के, इसके चारों तरफ इन्होंने एक स्क्वायर भी दे दिया है, तो अच्छा लग रहा है देखने को। लेकिन एक चीज जो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, पहले ना ये ऐड और ब्लूटूथ के बीच में होल्ड का आइकन था, बट अब इन्होंने ना होल्ड का आइकन हटा के यहाँ पे वीडियो कॉल का दे दिया, और होल्ड का आइकन इन्होंने ऊपर तीन वाले डॉट पे टैप करके शो होता है। तो मेरे हिसाब से सैमसंग ने क्यों किया, क्योंकि यार किसी को वीडियो कॉल करनी होगी तो डायरेक्ट व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर देगा या डायरेक्ट पहले वीडियो कॉल ही कर देगा। मेरे को होल्ड का ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा एज कम्पेयर टू वीडियो कॉल के। बाकी सबका अपना अपना पर्सनल सजेशन हो सकता है, पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है, मेरा यह मानना है, मैंने बता दिया अपने दिल की बात। अब इसके साथ जब आप कॉल डिस्कनेक्ट करोगे तो कॉल डिस्कनेक्ट वाला यूआई भी चेंज हुआ है। देखो इसमें इन्होंने एक ऑप्शन भी ऐड किया है बीच में रिपोर्ट का, और बाकी तो सब सेम ही है। और जो आइकन है ना इनका, इन आइकनों का भी शेप और इन आइकनों का भी डिजाइन थोड़ा चेंज किया है सैमसंग ने, तो ये भी देखने में अच्छा लग रहा है। अब आ जाते हैं इसके अगले चेंज के ऊपर, वो है इसके सेटिंग में। देखो सेटिंग में ना अब आप जाएंगे तो नए वाले यूआई में प्रोफाइल आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी। पहले प्रोफाइल नहीं आती थी, पहले प्रोफाइल का आइकन साइड में देखो सर्च के सामने छोटा सा देखने को मिल रहा होगा आपको, बट आप यहाँ पर हाईलाइट हो गए, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल टॉप में देखने को मिलेगी, उसके बाद ही दूसरे ऑप्शन आपको देखने के मिलेंगे। अब मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो अब इसका ना जो यूआई है, मतलब ये फॉन्ट का साइज है,
जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं ये काफ़ी नीट एंड क्लीन मेरे को पर्सनली लगी। तो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा मेरे को इसका ये यूआई यूज़र इंटरफेस लगा। मतलब जिस तरीके से इन्होंने ऑप्शन दिखा रखे हैं और उन ऑप्शन के अंदर की डिटेल दिखा रखी है वो अब इजी टू रीड है और ज़्यादा कन्वीनियंट मेरे को देखने में लग रही हैं। इसके साथ इन्होंने काफ़ी और चेंजेस भी किए हैं, मतलब इन्होंने कुछ ऑप्शन ऐड भी किए हैं, जैसे इन्होंने अब एक अलग से इन्होंने इसमें एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऐड कर दिया है। तो अब आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो आप नोटिफिकेशन ब्रीफ लेना चाहते हैं या डिटेल लेना चाहते हैं ये ऑप्शन भी इसमें दे दिए हैं। अब अगला चेंज की बात करते हैं, अगला चेंज कैमरे से रिलेटेड है, चेंज ज़्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी दिखा देता हूँ आपको। पहले अगर आप कैमरे में मोर में जाते थे तो इसमें पुराने वाले में आपको यहाँ पे एक पेन टाइप का आइकन देखने को मिलता था किसी भी ऑप्शन को ड्रैग करके नीचे लाने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए, और यहाँ पे नए वाले यूआई में उन्होंने प्लस का साइन दे दिया है, मतलब कि यूज़र आसानी से समझ जाएगा कि ऊपर वाले ऑप्शन को आप नीचे या तो ऐड कर दीजिए या उनको रिमूव कर दीजिए। अब एक और मज़ेदार चेंज जो मुझसे छूट गया था वो है इसके गैलरी में। गैलरी में पहले आप किसी एल्बम को खोलते थे, उस एल्बम के अंदर बाय चांस 10 फोटो है, आपको एक ही फोटो एक बार में ओपन होती थी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फोटो उस एल्बम में देखनी है तो फिर आपको बैक आके वो फोटो ढूंढ के और वो फोटो में क्लिक करना पड़ता। बट अब क्या है, आपने एल्बम खोली और नीचे एक स्लाइड बार सा टाइप का चल रहा है जिसमें छोटे छोटे ना हर फोटो का थंबनेल है, वो थंबनेल आप मतलब लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हो और उस थंबनेल में आपको जो भी फोटो पसंद आ रही है उसको डायरेक्ट आप ओपन कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हो आप कि ऊपर लेफ्ट कीजिए स्वाइप या राइट कीजिए ऊपर वाली फोटो भी चेंज हो जाएगी। तो ये सेम ना इस टाइप का फीचर आपको आईफोन में देखने को मिलता है, तो ये चीज ना मेरे को काफी अच्छी देखने में लगी। गैलरी में भी खैर इन्होंने काफी सारे चेंजेस किए हैं। अभी देखो जैसे ये मैंने एल्बम खोली है तो एल्बम का जिस फोटो का साइज जैसे है, मतलब कोई हॉरिजॉन्टली विड्थ किसी की ज्यादा है या कोई वर्टिकल फोटो है तो वो उस तरीके से उस फोटो का थंबनेल यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इन्होंने जो एल्बम का यूजर इंटरफेस है ना उसमें भी चेंज किया है, मतलब जो मेन एल्बम का यूजर इंटरफेस है ऑप्शन अप एंड डाउन किए हैं। अब अगले चेंज के बारे में बात करें तो पहले आपको किसी एप्लीकेशन का विजिट ऐड करने के लिए होम स्क्रीन पे उसकी सेटिंग में जाके तब वो ऐड करना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है, होम स्क्रीन में वो एप्लीकेशन है तो उसके आइकन को थोड़ी देर तक लॉन्ग प्रेस कीजिए तो आपको साइड में ही वो विजिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले वाली यूआई में देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके साथ एक अच्छी चीज और लगी मेरे को इसमें, उस एप्लीकेशन का नाम लिख के टॉप में आ रहा है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस किया था, तो ये चीज भी मुझे अच्छी लगी। साथ में इन्होंने इसका लेआउट भी थोड़ा चेंज किया और बैकग्राउंड भी ब्लर किया है। अब इसमें एक चीज मुझे थोड़ी खराब देखने को मिली, इसमें क्या है, पहले आप अगर किसी का पॉपअप व्यू खोलते थे तो आपको क्रॉस या जूम इन जूम आउट के बटन साइड में ही डायरेक्ट मिल जाते थे, पर अब आपको ये ब्लू वाला जो लाइन दिख रही है इसमें जब आप टैप करेंगे तब आपको ये रेस्ट ऑफ द ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो ये चीज मुझे कन्वीनियंटली लगी। अब अगला जो अपडेट हमको वन यूआई 3.0 में देखने को मिला वो है रिसेंट एप्लीकेशन से रिलेटेड। पहले जो रिसेंट एप्लीकेशन थी उनका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन और वो फ्लैट टाइल में ओपन होती थी, मतलब जो भी आपने रिसेंटली एप्लीकेशन यूज करी है, पर अब बैकग्राउंड ब्लर भी कर दिया है और जो एप्लीकेशन आपकी रिसेंट में फ्रंट स्क्रीन में देखने को मिल रही है उसका वो ना जूम इन और जूम आउट होकर जा रही है, मतलब वो पॉपअप होकर आ रही है, तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। उसके साथ में उन्होंने नीचे जो क्लोज ऑल वाला बटन है उसको ब्लैक कलर में शेड दे दिया है, तो अच्छा है मतलब ये चेंज। अब इस तरह के काफी सारे चेंजेस इन्होंने किए और कुछ फीचर भी ऐड किए हैं। जैसे एक फीचर के बारे में बताऊं तो वो फीचर सेटिंग से आप इनेबल कर सकते हो, आप होम स्क्रीन में जाके स्क्रीन में डबल टैप करेंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो इस टाइप के छोटे छोटे फीचर भी इन्होंने ऐड किए हैं। कुछ अपडेट मैंने कवर अप नहीं किए बट मोस्ट ऑफ द जो मेन अपडेट थे वो सारे कवर अप करने की मैंने पूरी कोशिश करी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जिनको इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।